काय बोली राय ना भाऊ, तुम्ही धूळ येणार शेतोस का? तुमलेच बोली राय ना मी, तुम्ही धूळ येणार शेतोस का? अहो मी बी धूळ येणार शे ना मग. आपलं आपलं धूळ देखा ना कितलं भारी शे. हा भाऊ धूळ आले येई लागलो मी. गुड मॉर्निंग, कैसे हो जी? बढ़िया, मस्त मजे में. तो बड़े दिनों के बाद बताता यार, सारी चीजें बताता. पहले जाके आते वर्कआउट करना है यार, बहुत दिन हो गए. चार दिन से मैंने वर्कआउट नहीं किया है कुछ भी. चलो आप भी. हाँ तो भैया जी, सुबह गया था मैं जिम वगैरह में, बहुत ज्यादा गर्दी थी यार. मतलब वहां पर कुछ मुझे इच्छा ही नहीं हुई कि मैं कुछ शूट वगैरह लूँ. तो अभी तो मतलब जाने की तैयारी चालू है. सामान वगैरह पैक कर रहा मैं. एक बार सब सामान वगैरह पैक करके अपनी शाइन पर मिलते यार. डायरेक्ट धुलिया जा रहा. पहले तो मैं सामान पैक कर दे. चलो भाई साहब, वी आर डन विद एवरीथिंग. मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ चीजें मतलब बाकी ही होती है. तो मैंने ये सारी लिस्ट बनाई थी कि मुझे क्या क्या करना है. गणेश की फाइल वगैरह देनी है और सारी चीजें मैंने लिखी थी. कुछ बाकी नहीं रहा होगा, पर अभी लेट हो चुके हैं भाई. अभी अरे बाप गड़ार क्या उल्टी वो. पर अभी इधर ही 11 बज गए, अभी निकल रहे. चलो 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 गाड़ी पर. ए भाई माला दफ्तर पूरे क्या वाला खेल. अरे बाप रे, हरिओम हरिओम हरिओम. अरे हाँ हाँ हाँ, लैपटॉप पर नहीं देखा संभालून. ओके गाइज चलते हैं. हरिओम जय राम जी की. भैया जी प्रवास बोल दो मुझे. निकल चुके हैं लंबी जर्नी के लिए, लंबे सफर के लिए. इधर से जाएंगे अभी धुलिया, धुलिया से जाएंगे अपन साकरी, साकरी से फिर से धुलिया और धुलिया से हाँ 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 बताऊंगा, बहुत जल्द बताऊंगा अगले ब्लॉग में. आई होप गाइज मेरी आवाज आप तक आ रही होगी, क्योंकि माइक का जुगाड़ नहीं भाई अपने पास अभी फिलहाल तो. पर मुझे नहीं लगता यार माइक वालों का भी मतलब यही रहता है, कभी ऑडियो जैक लूज हो जाता है, कभी क्या हो जाता है. तो मैं देखूंगा मतलब इन फ्यूचर मुझे माइक लगेगा तो. पच्चीस किलोमीटरचा प्रवास आपला झालेला आहे आणि आपण सोनगीरला आहोत. आणि मोजून 5-10-20-25 मिनटात आपण 34 किलोमीटरचा प्रवास केला आहे. ओके तो भैयाजी पोहोच गए हम धुलिया. आहा आहा आहा, मजा आ रहा है भैया. यार मैं 40 मिनट में ही पहुंच गया यार. मुझे अच्छे चकित हो रहा कि मैं 40 मिनट में कैसे पहुंच गया. तो आया भाई साहब, बहुत मजा आया गाड़ी चलाने में. पोस्ट ऑफिस आया था मेरे गूगल एडिसेंस का पिन लेने, पर वो मतलब घूम गया है क्या, मतलब मिल नहीं रहा यार. प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम चल रही है. तब ये जो फोटो है मैंने आज ही का निकाला था, जो सामने अभी देख रहे हैं, 2-2.5 साल पहले तुम ना फोटो काढ़ेल होता था कामी नहीं, 2.5 वर्ष ना पूर्वी ना तुम्हें शेत होता ना कजा होता था का 2.5 वर्ष ना पूर्वी ना फोटो शे 2018 तब तुम्ही तिकडे बटत होता ना. आजी बोलते खुश हो गया. ये जो है के पास मैंने गाड़ी, एक दूसरी जो मेरी बैग थी वो मैंने रख दी है. अभी मैं जा रहा सागरी के लिए. कैमरा में चार्जिंग भी कम है. आई होप मजा तो नहीं आ रहा होगा इस ब्लॉग में, पर एडजस्ट कर लो यार, इससे अच्छे ब्लॉग आएंगे. आपको बस जुड़े रहना है. अभी हम जा रहे हैं तुषार भाई से मिलने, उस उधर से डायरेक्ट जाएंगे सागरी के लिए. नमस्कार दादा साहब, कैसे आहत? मजेत आहत भाई साहब. बात ये थी कि मेरा जो गूगल एडसेंस का जो एड्रेस था वो हमारा पुराने मतलब जहाँ पर रहते थे उस घर पर डिलीवरी हुआ,
और मतलब उन लोगों ने कलेक्ट नहीं किया, उसके कारण मेरा जो पार्सल था वो रिटर्न गया है। तो भी मैं वहाँ पर जाके उनसे एक बार फिर से बात करके आया कि प्लीज़ पार्सल कलेक्ट कीजिए, क्योंकि ये पूरा मतलब इम्पोर्टेंट है यार, मतलब गूगल एडसेंस यूट्यूब की इनकम वगैरह वहाँ पर जमा होगी, तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। अभी देने के लिए बने चड्डी पहन कर अरे बाप, टी शर्ट फॉर्म एड़ा शॉर्ट पैंट वगैरह तीज है ना रे, क्वालिटी है खतरनाक। यू का मम्मी साकरीला साकरी चाललो साकरीला। अरे भाऊ चाय भी नीट ठेवायला लागेल, नाही तर मावटी नको व्हायला। भाई साहब गलती कर दी यार मैंने, लेट निकला वहां से। अभी नाइट में ड्राइविंग का मतलब मजा नहीं आ रहा यार, चुका है पूरा, और उसके कारण मतलब कीड़े भी परेशान कर रहे, कीड़े हेलमेट के अंदर घुस जा रहे, और उसके बाद मतलब समझ लीजिए आप पूरा मुझे, अरे थाम भाई, उसके बाद मुझे मतलब पूरी गाड़ी रुकानी पड़ती है, फिर हेलमेट लगाना पड़ता है, मतलब टाइम पास हो जा रहा है यार। 50 किलोमीटर ही, और रोड भी बहुत ज़्यादा भंगार है यार, रोड में हर जगह पर गड्ढे मिल रहे हैं मुझे। अब रियासो साइडला जे स्पीड ब्रेकर तो चिन्ह असतं ते पण नाही आहे भाई, काय सांगू आता, एकदम ही पडता पडता वाचलो मागे, मग त्यामुळे मी गाडी एकदम स्लो करून घेतलेली। थँक्यू सो मच, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो फिर लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सॉरी यार मतलब इतना अच्छा नहीं बना होगा, पर आने वाले ब्लॉग्स बहुत बढ़िया आने वाले, तो भी जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।